जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसको सुनकर अगर आप भी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज से रिगार्डिंग में अपना योगदान देते हैं या फिर आप गाड़ियों को खरीदते बेचते हैं, तो अगर इस क्षेत्र से हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि और वैसे अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हैं तो भी ये गुड न्यूज़ है। इसको आपको शुरू से लेकर अंत तक सुनना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर है, आपके पते के लिए खबर है। इसमें आपका जो है वो फायदा ही होने वाला है निकट भविष्य में। तो ये इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग में है? ये इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों को खरीदने और बेचने के संबंध में। देखिए जी, अब वाहनों को बेचने एवं खरीदने के लिए आपको आरटीओ के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ करके एक यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बड़ी सौगात दी है ऐसे लोगों के लिए जो गाड़ियों के खरीदी करते हैं या फिर बेचते हैं, ऐसे लोगों के लिए। और वैसे नॉर्मल पर्सन अगर आप हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। गाड़ी को खरीदना बेचना अब काफ़ी इजी हो गया है। तो आप अगर गाड़ी कहीं से सेकेंड हैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको आरसी ट्रांसफर के लिए बार बार आरटीओ में विजिट नहीं करना पड़ेगा। भागा दौड़ी से आप वहां पर आपको राहत मिल जाएगी। चलिए जी, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने आगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। वाहनों को खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी खबर आई हुई है क्योंकि अब आप घर बैठे गाड़ियों को बेच सकते हैं और गाड़ियों को आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। बार बार आपको आरटीओ दौड़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है जी, ये झंझट खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि वाहनों को आरसी जो है वो घर बैठे अप्लाई आपके जो पते पर आप करेंगे वो आपके पते पर डिलीवर्ड कर दी जाएगी। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस के केस में भी वैसे ही आपके घर के पते पर डिलीवर किया जाता है इंडिया पोस्ट के द्वारा। वैसे ही सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर होगी, इंडिया पोस्ट के द्वारा ही आपके दिए हुए पते पर आरसी आप तक डिलीवर्ड करा दी जाएगी। इसमें आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। अब वाहनों को बेचने के संबंध में दोनों तरफ से जब प्रक्रिया पूर्ण होगी, इसमें थोड़ी सी टर्म्स कंडीशन ये है कि जब दोनों तरफ से प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो खरीदार के घर पर आरसी बाया इंडिया पोस्ट उसके पते पर भेज दी जाएगी। अब गाड़ियों को ट्रांसफर कराने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले के टाइम पर जो आप फिजिकली विजिट करके ही आरटीओ में गाड़ियों को बेचने के लिए आवेदन देते थे, खरीदने के लिए आरसी के लिए लाइन लगाते थे आरटीओ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भारत सरकार ने इस कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और इसमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वो कदम बढ़ाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय वहाँ पर भारत सरकार का जो है इनिशिएटिव होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप वहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.parivahan.gov.in पर जाएंगे, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज जो होता है वाहन पोर्टल, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी गाड़ी को आप वहाँ पर बेच भी सकते हैं और आपकी गाड़ी का जो है स्टेटस क्या है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने बेचा है तो वहीं से आरसी भी डाउनलोड हो जाएगी और जिसके नाम पर रहेगी गाड़ी वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान कर दिया गया है अभी वेबसाइट पर। साथ ही साथ हम आपकी सेवा के लिए एक नई वहाँ पर वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है technicalalokji.com। आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं technicalalokji.com और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके बहुत सारी जानकारियाँ आरटीओ से संबंधित, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अब आपको गाड़ी बेचने के संबंध में राहत मिली है वो किस प्रकार से, वही इस प्रकार से जैसे आप गाड़ी कोई बेच रहे हैं तो आप एनओसी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको विजिट नहीं करना है आरटीओ में। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अब आप एनओसी वेबसाइट पर parivahan.gov.in पर विजिट कर लीजिए, वहां से आप एनओसी अप्लाई कर दीजिए। एनओसी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी जनरेट होके। 15 से 1 महीने का समय लगता है, 15 दिन या मैक्सिमम 30 डेज, मिनिमम है 15 डेज में आपकी एनओसी जनरेट हो जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उस एनओसी के दम पर आप अपने जो भी खरीददार है आपकी गाड़ी का उसको दे दीजिए, वो एनओसी ले जाकर अपने आरटीओ में सबमिट करके अपनी आपकी गाड़ी को आसानी से ट्रांसफर करवा लेगा। तो गौरतलब है कि जो ये पूरी प्रक्रिया है ये आपको आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करना पड़ेगा। आपने आरसी में आधार को जरूर लिंक कर दीजिए, एक मोबाइल नंबर को लिंक कर दीजिए, तभी आप इन सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनाया जाता है, लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है और आरटीओ से जुड़ी 18 सर्विसेज का लाभ लोग ले रहे हैं, वैसे ही आप इस
सेक्टर में भी, वाहन के संबंध में भी आप खरीदी बेची जो है वो आधार के माध्यम से कर सकते हैं। ये है इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो इसी बात, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी लोगों तक, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है जी, अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं। अभी कुछ भी आपको संकोच नहीं करना है, technicalalokji.com पर विजिट करिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए technicalalokji.com, सबसे पहली वेबसाइट हमारी आएगी। वहाँ पर विजिट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उपयोग कर लीजिए, टेलीग्राम है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, एक्स है, सभी जगह हम अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, अपने डाउट क्वेश्चन पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।